अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज आए हैं रावलपिंडी के भावड़ा बाज़ार में। यहाँ पर इफ्तारी के लिए बहुत खस्ता कचौरियाँ जो हैं वो तैयार की जाती हैं और फरोख्त होती हैं। ये रावलपिंडी के भावड़ा बाज़ार के चौक में जो सराफा बाज़ार की तरफ सड़क जाती है और यहाँ पर शाह चंद चिराग की तरफ गली जा रही है और ये सराफा बाज़ार की तरफ जा रही है और ये है वो कचौरी वाली दुकान। इस वक्त दिन के 2 बजे हैं, मैं इस वजह से जल्दी आया हूँ ताकि ज़्यादा रश ना हो इफ्तारी का और इनसे बात भी हो सके। तो ये वो दुकान है जहाँ पर रावलपिंडी की सबसे खस्ता और सस्ती कचौरियाँ फरोख की जाती हैं। मेरा नाम उमर है, ठीक है, और ये हमारी दुकान बहुत पुरानी है, यानी कि सूफ़ी फजल नाश्ता सेंटर। हमारे दादा ने ये पाकिस्तान पार्टीशन से फौरन बाद ये शुरू किया था काम। ये अब तक ये हम तीसरी नस्ल है जो इसको कंटिन्यूटी से चला रहे हैं। ये हम कचौरी जो चिकन वाली बनाते हैं, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की कचौरी है। हम इसमें मक्खन यूज़ करते हैं, ठीक है। मक्खन की वजह से जो आपके अंदर जलन या भारीपन वो कचौरी के अंदर नहीं रहता, ठीक है। बहुत सिंपल सी कचौरी है, पेटिस नुमा, ठीक है। और ये कचौरी आप खाएंगे आपको पसंद आएगी, ठीक है। मियार का भी खास ख्याल रखा जाता है ना। बेसिकली इसमें फिलिंग होती है मक्खन वगैरह के ना, तो 8 तह लगती है। 8 तह लगने के बाद उसमें ये फिलिंग पेड़ा वगैरह बन जाता है, फिर पेड़ा डलता है, उसके बाद इसमें ये आ जाती है फिलिंग। उसमें फिर ये जब फिलिंग होती है ना, उसमें बंद गोभी, मैक्रोनी, चिकन वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, गाजरें वगैरह, ठीक है। काली मिर्च से स्पेशल बनाते हैं हम ये भी, ठीक है। फिर ये बना के तो आगे फ्राई करके तो फिर खिलाई जाती है। कचौरी का रेट है ना, वो 200 से 400 के दरमियान बिक रही है, लेकिन ये सिर्फ हमारी दुकान पे 100 रुपये की कचौरी बिक रही है, ठीक है। मक्खन वाली और चिकन वाली, कीमे वाली भी कचौरी होती है हमारे पास, वो 120 की देते हैं। प्राइस इसलिए कम रखी है कि हम नाजायज़ मुनाफाखोरी नहीं कर रहे, ठीक है। और इसमें यानी कि बिल्कुल रीज़नेबल प्राइस रमज़ान की ऑफ़र लगाई है कि लोग जो है ना, छोटा तबका भी होता है जो नहीं खा सकता, ठीक है, उसके लिए भी ये ईजी रे, ठीक है। ये इसलिए 100 रुपये हमने ये रुपीज़ रखी है और बिल्कुल मियारी काम किया जा रहा है। हम घी बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, लतीफ़ घी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आपके सामने आप देख सकते हैं, खुरमानी की चटनी होती है, खुरमानी, शक्कर, चीनी, ठीक है, और इमली, इनको ऐड करके, ठीक है, हाजमेदार किस्म की हम चटनी बनाते हैं, ठीक है। और ये जब चटनी भी आप खाएंगे, ये केचप से आपको बहुत अच्छी लगेगी, बहुत डिलीशियस और बहुत प्यारी चटनी है। इसका ये आदमेदार है चटनी, ठीक है। और ये आपको यानी कि वो नहीं है कि यानी कि जिस तरह ये आप खाएंगे, ट्राई करेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। कचौरियाँ काफ़ी अच्छे इस्तेमाल कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी कचौरियाँ हैं, देखी जाते हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छी है, खस्ता भी है और मज़ेदार भी, और सबसे बड़ी बात मुनासिब कीमत भी है इसकी, जो खाने में भी मज़ेदार भी है। ये बहुत अच्छी है, घर वाले भी इस्तेमाल करते हैं, आप भी आए इनसे खाएं, बहुत अच्छी है। इसके अलावा हमारे पास रमज़ान ऑफर में यानी कि समोसा है आलू वाला, ठीक है, वो 30 रुपये प्राइस हमने उसकी रखी है, वो भी खस्ता और हाजमेदार है। बाजार में आम यानी के जो रेट है 40 या 50 रुपये बिक रहा है, ठीक है। हमने ये भी यानी कि रमज़ान ऑफर रखी है कि रमज़ान के महीने में लोगों को सस्ती से सस्ती चीज़ मिले। बहुत दूर दूर से ग्राहक आते हैं, ऑर्डर भी होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ज़्यादा अगर चाहिए मिकदार में, तो एक दिन पहले हमें बताएं, ठीक है, कि आपका ये ऑर्डर है, ठीक है, तो फिर ओके होगा, ठीक है। उसी दिन पर ऑर्डर ओके नहीं होता,